इन दिस वीडियो वी विल नो अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नैचुरल रिसोर्स एंड मैथड्स थ्रू विच वी कैन कंज़र्व रिसोर्स अब कन्ज़र्वेशन की बात हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि रिसोर्स को कंजर्व करना है कंजर्व करना है कौन कौन से मैथड उसके लिए हम अडाप्ट कर सकते हैं और रिसोर्स को कंजर्व करना ज़रूरी क्यों हैं जो नेचुरल रिसोर्सिस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे इन्वामेंट का जो नेचर का एक फ्री गिफ्ट है ह्यूमन बींग्स को और ह्यूमन की लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है इन रिसोर्स का होना बट क्या हो रहा है जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है इस मॉडर्न वर्ल्ड में उतने ही ज़्यादा रिसोर्स डिक्लाइन होते जा रहे हैं या ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि जो लोगों की नीड्स तो बढ़ ही रही हैं बट एक बहुत ही जो गलत साइड है वो ये है कि लोगों की ग्रीड भी बढ़ती जा रही है तो इन नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है बिकॉज़ ये एक नेचर का फ्री गिफ्ट है टू तो द ह्यूमन बींग्स और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि हम इन्हें बहुत रैशनलाइज होकर यूज़ करें ओवर ओवर यूटिलाइजेशन इनका ना हो ताकि हम करंट जेनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जेनरेशन इस रिसोर्सेस को बचा कर रख पाए अब कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं दीज आर सन यू कैन से सनशाइन सनशाइन एयर एनिमल्स प्लांट्स वाटर एक्सेट्रा सनशाइन का यूज हम करते हैं सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एनिमल से हमें फूड एज़ वेल एज़ जो क्लोथ सप्लीमेंट्स हैं लाइक वूल एंड सिल्क ये सभी कुछ मिलता है उसके बाद प्लांट से बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए जो हर्ब्स हैं वो हमें मिलती हैं और ये इन्वायरमेंट को जो पोल्यूशन फ्री बनाने का काम भी करते हैं एक फ्रेश एयर प्रोवाइड कराते हैं ह्यूमन बींग्स को ब्रीदिंग के लिए उसके बाद जो वाटर है वाटर से हम जो है काफ़ी सारी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं आफ्टर दैट विंड ऑल्सो by making a use of wind we can produce the wind energy so these all are comes under the natural resources ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए अब हम एक ही बात पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन क्यों इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि ड्यू टू द ओवर एक्सप्लाइटेशन ओवर एक्सप्लाइटेशन या ओवर यूटिलाइजेशन होने की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो एक डेट्रीमेंटल स्टेज पर हैं यानी ये खतरे की जोन पर हैं और अगर ये सारे रिसोर्स ख़त्म हो गए या बहुत कम हो गए पॉपुलेशन के हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी लोगों के सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर हिस्टोरिकली हम बात करें तो गांधी जी ने भी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बहुत ध्यान दिया था और उन्होंने बोला था देयर इज़ इनफ फॉर एवरी नीड बट नॉट फॉर द एनी बडीज ग्रीड यानी आप रिसोर्स को यूज़ कीजिए अपनी नीड के हिसाब से बट ग्रीड के लिए रिसोर्स को यूज़ नहीं करना है आपको जहाँ तक हो सके रिसोर्स का रैशनल यूज़ करना है अब कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने रिसोर्स को बचा लेना है उसका एक तरीक़ा ये भी है कि आप उसका रैशनल या कम से कम यूज़ कीजिए जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए सो दैट वी कैन कंजर्व द रिसोर्स फ़ॉर द करंट जनरेशन एज़ वेल एज़ फॉर द फ्यूचर जनरेशन सो so रिसोर्सेस को हमेशा नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करना है नॉट फॉर द ग्रीड अब रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए इन्हें बचाने के लिए बहुत सारे मैथड्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट कंज़र्वेशन मैथड इज Rational or minimize or minimal use and not to waste the resources. After that, use the uh, supplement resources, या सब्सटिट्यूट रिसोर्सेज फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है कोल जो है ख़त्म होता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें माइनिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी एज़ अ रिज़ल्ट लैंड डिग्रेडेशन होगा और बहुत सारे स्पीशीज के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए एनिमल्स के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो कोल का एक सब्सटिट्यूट हम सोलर एनर्जी या अदर एनर्जीज़ यूज़ कर सकते हैं बाय मेकिंग अ यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी The next conservation method is 3Rs. Under it, we include the recycle, reduce, and reuse. रिसाइकल मतलब जो चीज़ एक बार यूज़ हो चुकी है हम उसे रिसाइकल करके दोबारा यूज़ करने लायक बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक जो पेपर है जब वो यूज़ हो जाता है तो उसे रिसाइकल करके अगेन एक पेपर बना सकते हैं हम उसके बाद रिड्यूस यानी जितना हो सके आपने रिसोर्सेज को कम यूज़ करना है या नीड के अकॉर्डिंगली ही यूज़ करना है उसके बाद री फॉर एग्ज़ाम्पल जो जब मार्केट जाते हुए प्लास्टिक के पॉलिथीन या बैग्स का यूज़ करने के बजाय अगर हम क्लोथ बैग लेकर जाते हैं तो उन्हें हम बार बार री कर सकते हैं बार बार यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा अपने पर्सनल व्हीकल्स को बार बार यूज करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज अगर हम करें तो उसकी वजह से बहुत सारा फ्यूल हम बचा सकते हैं अदर देन इट अगर हमें किसी आ, पास वाली जगह पर ही जाना है तो बार बार व्हीकल्स का यूज करने की बजाय हम बाइसाइकल या वॉकिंग इन सभी मेथड्स के थ्रू जो है बहुत सारा फ्यूल लाइक पेट्रोलियम डीजल एक्सेट्रा इन सभी को कंज्यूम सॉरी कंजर्व कर सकते हैं सो दीज आर सम मैथड्स बाय विच वी कैन कंज़र्व द नेचुरल रिसोर्स फ़ॉर द करंट जनरेशन एज़ वेल एज़ फॉर द फ्यूचर जनरेशन और सभी इन मैथड्स को अपना कर हम बहुत बड़ी जो फ्यूचर में प्रॉब्लम जनरेट होने वाली है इन रिसोर्स के डिक्लाइन होने से उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं ताकि अर्थ का बैलेंस बिल्कुल भी खराब ना हो ये रिसोर्स अर्थ पर बिल्कुल अवेलेबल रहें हमारी आज की जेनरेशंस के लिए भी और आने वाली फ्यूचर जेनरेशंस के लिए भी सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अंडर इट वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स एंड मेथड्स टू कंजर्व रिसोर्स This was just in a brief manner to get the content in a written form and to enhance your skills and knowledge about the concepts. Do register yourself at our official website www.abhyasonline.in.